हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विलेज। मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर क्लास 12। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ क्लोज इंटरवल। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं। हम इसका आरसीएस ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और यहां पर हम पुट करते हैं इन द प्लेस ऑफ x साइन थीटा। x के प्लेस में हम साइन थीटा पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हो जाएगा फार्मूला साइन 3 थीटा का, आपको मालूम होना चाहिए ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। ये हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा, और जैसा कि जानते हैं आप साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो चाहे वाई उससे मतलब नहीं है। साइन इनवर्स साइन वाई अगर वाई है तो ये वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वैसे ही यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा आपका 3 थीटा, और यहाँ पर 3 थीटा मस्ट बिलोंग्स टू माइनस 90 टू प्लस 90। नाउ डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड माइनस पाई बाई सिक्स 3 थीटा। नाउ अब आप यहाँ जानते हैं कि x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स x, और यहाँ पर साइन ले लेते हैं, तो यहाँ साइन लेंगे तो साइन माइनस पाई बाई सिक्स माइनस हाफ हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन पाई बाई सिक्स हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर आपने जैसा कि लेफ्ट किया हुआ है साइन थीटा को x, तो यहाँ पर साइन थीटा के प्लेस में x रख दीजिए, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 3 साइन इनवर्स x माइनस हाफ लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1/2। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस डेरिवेशन का। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम यहाँ पर आपको बगल में समझा दे रहे हैं। सीधे हम इसका आरसीएस लिखते हैं, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पर दोस्त पुट करेंगे आप जैसा कि समझ रहे हैं कि x बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स दिस इज कॉस 3 थीटा। दोस्त वही बात है, यहाँ पर मैं किनारे समझा दे रहा हूँ आपको कि कॉस इनवर्स कॉस वाई इट इज वाई, बट वाई बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो यहाँ पर 3 थीटा जो होगा नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एक्स दिस इज एक्स, बट इम्पॉर्टेंट लाइन इज 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। नाउ डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 0 टू पाई बाय 2, टेकिंग कॉस, जब कॉस 0 की बात करेंगे तो कॉस 0 आपको मालूम है कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज आएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू आपको मालूम है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 90 नहीं, यहाँ 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पाई बाई 3 होगा, तो यहाँ पर कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 कॉस 60 1/2 होता है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 हो जाएगा 1/2। कॉस थीटा का मतलब आपने यहाँ पर एक्स लिख किया हुआ है, तो यहाँ पर एक्स लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी और इक्वल भी होगी, और 1 या 1 से छोटी होगी, तो यहाँ पर दोस्त 3, यहाँ पर थीटा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं थीटा की जगह लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ जब भी कॉपी करेक्शन करता हूँ तो बेसिकली स्टूडेंट्स केवल इतना स्टेप दिखाते हैं, केवल इतना स्टेप, ये स्टेप गोल कर देते हैं, जबकि यही स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये रिजल्ट 3 कॉस इनवर्स एक्स आया लिंकअप जब एक्स बिलोंग्स टू हाफ टू प्लस 1 क्लोज इंटरवल, मतलब हाफ भी है और 1 भी शामिल है, और हाफ और 1 के बीच की वैल्यू,
तो ये इम्पोर्टेंट बात है, समझिए मेरा कर्सर देखिए यहाँ पर जा रहा है, ये जो इम्पोर्टेंट लिखा रहता है किनारे, ये चीज ये इम्पोर्टेंट है, आप इस पर इसको इग्नोर ना करिए, केवल इतनी बात को मत ध्यान रखिए, साथ साथ ये जो लिखा हुआ है इस पर जरूर फोकस करिए, अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, थैंक यू। वैसे इसमें भी जैसे मैं बता दूँ ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये वाला हिस्सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिए। ओके थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।